अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूं जो खूबसूरत के साथ साथ सस्ता भी है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया का एक खूबसूरत देश जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस देश से तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है और इस देश के कोई भी बॉर्डर समुंदर से नहीं मिलता, इसीलिए उज्बेकिस्तान में कोई भी समुंदर नहीं है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और ताशकंद से लेकर समरकंद तक मेट्रो भी चलती है। ताशकंद से समरकंद की दूरी है 308 किलोमीटर और उज्बेकिस्तान की भाषा है उज्बुक। कुछ लोग यहाँ इंग्लिश भी बोलना जानते हैं। उज्बेकिस्तान का सबसे छोटा नोट 1000 का होता है और सबसे बड़ा नोट 1 लाख का होता है। अगर आप इंडिया का 1000 रुपये देते हैं तो उज्बेकिस्तान में आपको 1,44,000 सोम मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास इंडिया का 10,000 रुपये है तो आप उज्बेकिस्तान के करोड़पति इंसान हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रुपया भी कम लगे और घूमने के लिए अच्छा प्लेस भी हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा बात न करते हुए मैं आप लोगों को उज्बेकिस्तान के खूबसूरत नज़ारों का दीदार कराता हूँ। Bye.
दोस्तों, ये है समरकंद। और एक बात मैं आप लोग को और बताता चलूं कि आप इमाम बुखारी के बारे में तो जानते ही होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, हजरत इमाम बुखारी उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे और उनका मज़ार मुबारक समरकंद में है। अभी जो आप कैमरे से देख रहे हैं, इसको इमाम बुखारी लाइब्रेरी कहा जाता है और इसके पीछे इमाम बुखारी का मज़ार मुबारक भी है। हम लोग गए हुए थे मज़ार मुबारक के अंदर जाने के लिए, मगर कोरोना की वजह से अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। इंशाल्लाह अगर मैं अगली बार आऊँगा उज्बेकिस्तान तो आप लोग को वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊँगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के इस चैनल पर आता रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।